हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए 25 रुपये महीने भेजने के लिए कहा था। मैंने कुछ महीने तो पैसे भेजे, पर फिर बाद में भेजना बंद कर दिया। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। उन्होंने बताया कि मेरा खूब फलता फूलता कारों की मरम्मत का व्यापार था। मुझे शिकार का बहुत बड़ा शौक था और मारे गए जानवर का मांस भी खाता था, शराब पीता था और दोस्तों को बुलाकर मांस भी पेश करता था। मैं ज़्यादातर ऋषिकेश और रायवाला के जंगलों में शिकार खेलता था। एक दिन जब मैं शिकार के लिए गया तो मुझे जंगल में मंदिर के नज़दीक एक हिरन दिखाई दिया। मैंने अपनी दुनाली बंदूक में गोली भरी और चला दी। हिरन को छर्रे तो लगे पर वो तब भी चल फिर रहा था। फिर मैंने एलजी बोर घातक गोली चलाई, पर हिरन को गोली लगने के बाद भी बड़ी निर्भयता से घूमता रहा। एकाएक मुझे लगा कि ये मामला लौकिक नहीं है, इसके पीछे कुछ दैवीय शक्ति काम कर रही है जिसे मैं नहीं समझ सकता। मैं सकते में था। मैंने भगवान के आगे कसम खाई, बंदूक नीचे रख दी और अंदर ही अंदर कांप गया। मैं देहरादून लौट आया। मैं अब एक बदला हुआ इंसान हो गया था। उसके बाद से मैं इतवार के दिन ऋषिकेश चला जाता और गंगा जी के किनारे बैठकर प्रार्थना किया करता था। एक दिन इसी तरह जब मैं देहरादून लौटने की तैयारी कर रहा था, एक जीप मेरे पास आकर रुकी और उसमें बैठे हुए और अपने बदन पर कंबल लपेटे हुए एक आदमी ने मुझसे पूछा, क्या वो हिरन मर गया था? मुझे एकाएक लगा कि ये आम आदमी नहीं है और तब मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे मुझे क्षमा दीक्षा दे दें और अपना शिष्य बना लें। उन बाबा जी ने मुझे वचन दिया कि वे अगले इतवार को आएंगे। मैंने अपने इन गुरु के लिए एक धोती साल और 101 रुपये की दक्षिणा संभाल कर रख दी, पर बाबा जी कभी आए नहीं। और आज जब एक वर्ष के बाद तुम्हारे जरिए उनकी खबर मुझे मिली, बस उसके बाद से हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। उसके बाद से अगले 4 दिन तक मैं अपने काम को ख़त्म करने के बाद रोज़ाना शर्मा जी की गैराज पर गया। हम लोग एक दूसरे के साथ अपने जीवन के अनुभवों को बांटते। जब जीप की मरम्मत हो गई तब मैंने शर्मा जी से वायदा किया कि मैं उनकी तरफ से बाबा जी से पैरवी करूँगा और उनके राजी होने पर कैंची आने के लिए तार भेज दूंगा। मरम्मत की हुई जीप के साथ मैं कैंची लौटा और खूब जोर देकर बड़ी सच्चाई के साथ शर्मा जी के केस को बाबा जी के सामने रखा और उनसे तार भेजने की इजाज़त मांगी। बाबा जी ने मना कर दिया और मुझे वचन दिया कि वे शर्मा जी को तब बुलाएंगे जब वे उन्हें खाली वक्त दे पाएंगे। मुझे अंदर ही अंदर बुरा तो लगा, पर मैं कर ही क्या सकता था। जिंदगी बीतती गई और मैं बाबा जी की संगत के आकर्षण की वजह से कोई ना कोई बहाना बना कर कैंची आता रहा। बाद में शरद काल के उत्सव की वजह से मैं फिर कैंची लौटा। एक दिन बाबा जी
ने मुझसे ब्रह्मचारी बाबा जी को, जो कि कैंची आश्रम के अंतर्गत भूमियाधार के मंदिर को संभालते थे, 500 रुपए भिजवाने के लिए कहा। मेरे खुले हुए पैसे तो थे। मैंने देहरादून के एक मित्र को 500 रुपए का चेक भेज दिया कि 500 का बैंक ड्राफ्ट बनवा कर इस पते पर ब्रह्मचारी बाबा जी को भिजवा दो। मेरे इस मित्र ने 500 रुपए का ड्राफ्ट तो बनवाया, पर लिफाफे पर ब्रह्मचारी बाबा जी का नाम न लिख कर मेरा नाम लिख दिया। ड्राफ्ट आया तो सही, पर लिफाफे पर मेरा नाम लिखे होने की वजह से ब्रह्मचारी बाबा जी को नहीं मिला। लिफाफा देहरादून वापस चला गया, और जब मैं देहरादून वापस लौटा तो मेरे मित्र ने वो लिफाफा मेरे सामने रख दिया। दीपावली के दिन थे, जुआ खेलना तो एक रस्म हुई, बस फिर क्या था, वो ड्राफ्ट मैंने भुना लिया और ताश खेलने बैठ गया और सारे पैसे हार गया। सन 1959 के नवंबर के महीने में मेरा तबादला देहरादून से कानपुर हो गया, जो कि इलाहाबाद से 200 किलोमीटर दूरी पर है। कानपुर उत्तर प्रदेश का नामी और बड़ा औद्योगिक नगर है। एक बार कानपुर में व्यवस्थित हो जाने के उपरांत मैं इलाहाबाद गया और उस समय बाबा जी वहीं पर थे। उनका सबसे पहला सवाल था कि तूने ब्रह्मचारी को पैसे भेजे। मैं कसूरवार था, किसी तरह स्वीकार किया कि मैंने नहीं भेजे। बाबा जी तब गंभीर हो गए और बोले कि यदि तूने पैसे भेज दिए होते तो तेरी आर्थिक मुसीबतें सब खत्म हो जाती। मैंने सिर झुकाकर उनकी लानत मलानत सुन ली और समझ गया कि मैंने घोर अपराध किया है और उसके लिए मुझे लगातार तकलीफ सहनी पड़ेगी। पहले भी जब सन 1961 में मुझे पहली नौकरी मिली थी और मुझे तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई थी, बाबा जी ने मुझसे नैनीताल, जहां मुझे अध्यात्म की दीक्षा दी गई थी, हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए 25 रुपये महीने भेजने के लिए कहा था। मैंने कुछ महीने तो पैसे भेजे, पर फिर बाद में भेजना बंद कर दिया। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाई जाएगी। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।